नवंबर को आप भी रहेंगी, और मैंने जेन्युइनली नोटिस किया जब मैं क्रूज में रहता हूँ, ये जो फैन का जो एक्सपीरियंस होता है आप जैसे लोगों के साथ, इट एक्चुअली गेट्स यू वेरी क्लोजर टू द फैंस। तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आप सेलेफी क्रूज विद द स्टार सीजन 3 के हिस्सेदार बनेंगी? पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर सीजन 3 सेलेब्रिटी क्रूज ऑफ द स्टार्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। आप तो सीजन 1 पे आए थे, सीजन 2 पे आए थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी पार्ट ऑफ इट ऑन सीजन 3। जैसे आपने कहा कि आई थिंक एक तरह का माहौल बन जाता है कि हम सब साथ ही रहते हैं, साथ ही हम सेल करते हैं, साथ ही वापस आते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, तो आई थिंक इट्स लाइक अ नाइस स्वीट फैमिली सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट ओवर देयर। आई थिंक और कोई जगह नहीं है ना जाने के लिए, बस वहां पे ही है, बिकॉज पानी है साइड में, यू कांट रियली डू मच बियॉन्ड दैट। बट आई थिंक इन द पास्ट आई हैव बीन ऑन क्रूजेस विद माय फैमिली एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस टू बॉन्ड ऑन अ क्रूज एंड आई लव इट। आई लव द आइडिया ऑफ बीइंग ऑन अ क्रूज। एंड कैन आई टेल यू, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, लेजेंड बन चुका हूं इस क्रूज पे, इतने सारे चीजें होते हैं अंदर करने के लिए ना, I'm telling you, it's such a wholesome experience. Absolutely, it's. I mean, like I said, I've been, and it's a complete wholesome experience. Whether it is entertainment, food, games, workouts. I mean, there's something for everybody on the cruise. I mean, I don't think anybody, jab aap cruise se nikloge, there is even one person who will not be satisfied because there's something for everyone. In fact, Sunil Grover personally assigned hai aapke liye. Wo aapko escort karenge, cruise dikhayenge aapko kya kahan milta hai. Ye personally unka kaam hai is saal. Performance nahi hai, wo aapko dikhayenge. To kaisa lagta hai ye aapko experience? Bhabhi banke dikhayenge kya? I think main bahut khush hu ki aap mujhe first hand experience aap doge on this cruise. लेकिन आई थिंक व्हेन यू सिट विद कॉमेडियंस व्हेन यू आर हियर व्हेन यू ऑल हैव बहुत प्रेशर बन जाता है कि यू हैव टू बी फनी। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि क्या बोले इनके सामने। आई जस्ट हैव वन थिंग टू से कि व्हाई यू ड्रेस लाइक अ सोफा। लेकिन क्या है, मैं बताऊं क्या है, क्योंकि घर में तो सोफा है नहीं, घर में तो सोफा नहीं है, और जब भी मैं सोफा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या बात कर रहे हैं, इसके बैठे हैं यहाँ पे, आई एम रियली कंफ्यूज। जो चाहे कर सकती है आप। सुनील हमेशा मुझे बोलता है तुम सोफे की तरह कपड़े पहना करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पर बैठना चाहता हूँ, और ये मुझे बैठ के झप्पियां देता है। सोफा वेरी बैड। ये आपने पूरा लाइन तब से रटा हुआ है ना? नो, इट्स वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। सो क्या बोल रहे हो सुनील? सर, इन माय माइंड सी, वेल आई वांट टू आल्सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you for making me part of season 3 and I wish you all the very best for many many more seasons ahead. Ma'am, वहाँ से मत बोलिए, रविंदर जी की strong personality है, वो भी आएंगे स्टेज पर। The visionary, the man behind Seraphie, the platform that gets stars very close to the fans, first hand experience, and the man who's given his heart and soul to Seraphie cruise with the stars every season, Rabinder, before you come, Malaika, I want you to show you to see this little audio visual.